मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। नैष्कर्म्य सिद्धि ग्रंथ के द्वितीय अध्याय 70 नंबर श्लोक। बुद्धि परिणामी है, जो अंतकरण जो बुद्धि है वो पांचभौतिक है, त्रिगुणात्मिका है, सावयव पदार्थ है, इसलिए उसमें परिणाम होता है, वृत्ति के रूप से परिणाम होता है। सुख दुख राग द्वेष ये सब बुद्धि का ही परिणाम है। और बुद्धि को परिणामी इसलिए मानना चाहिए क्योंकि बुद्धि एक समय पर काल से परिच्छिन्न सभी पदार्थों को विषय नहीं करती है। जब वर्तमान को करेगी तो भविष्यत को नहीं, है कि नहीं, अतीत को नहीं। तो युगपत त्रिविधा काल से परिच्छिन्न वस्तु को विषय नहीं कर पाती है बुद्धि। आत्मा सबको विषय, सबको प्रकाशित कर लेता है आत्मा, बुद्धि सबको नहीं जान पाती है कि नहीं। इसीलिए बुद्धि को परिणाम मानना चाहिए, ये 70 नंबर श्लोक में कहा। अतिता अनगते हत्यान युगपत सर्वगोचरान व्यत्यात्मवत नाधीर्यस्मा तेना यम परिणामिनी। बुद्धि को परिणामी मानना चाहिए, साक्षी परिणामी नहीं है। बुद्धि को भी साक्षी प्रकाशित करता है, बुद्धि के धर्म को ही प्रकाशित कर लेता है। बुद्धि है परिणामित्व उपपत्ति ही, इसलिए ये युक्ति युक्त है कि बुद्धि में परिणाम होता है, आत्मा में नहीं होता है। इले ततश्च एतत् सिद्धम्। थोड़ी टीका देखो, 71 नंबर श्लोक मेरी पुस्तक में 172 पेज नंबर है, आप लोगों की पुस्तक में देख लीजिएगा। 71 नंबर श्लोक चलेगा, थोड़ी टीका है देखो। आत्मनः पुनर्दर्शन श्रवणादि विक्रिया विरहितस्य दर्शन श्रवणादि विक्रियावत अशेष बुद्धि साक्षित्वम अपि सिद्धम। ये भी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। ये विचार क्या चल रहा है, जब तक मैं के स्वरूप को न जानो, साक्षी स्वरूप को न जानो, तब तक मैं ब्रह्म हूँ, ये अभ्यास आप नहीं कर सकते। मैं के पहले स्वरूप को जानो कि मैं कौन हूँ, है ना, शरीर से परिच्छिन्न हो कि शरीर से अतिरिक्त हो, ये पहले जानना होता है, ये शोधन होता है। तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्णम, विवेक करना होता है, इसलिए चल रहा है। आत्मनः, आत्मा में कोई विकार नहीं है, हाँ आगे कहा जाएगा। आत्मा में यदि विकार हो जाए तो विकार को कौन जानेगा। इसलिए दर्शन श्रवणादि है ना, देखना सुनना ये सब जो विकार है ये तो बुद्धि का है, ठीक है। चक्षुरादि के इंद्र के द्वारा बुद्धि में ही परिणाम होता है। देखना सुनना सब जितने भी है, समस्त विकार से रहित आत्मा, आत्मा में कोई विकार नहीं होता है, परिणाम नहीं होता है। इसलिए दर्शन श्रवणादि विक्रिया, ये दर्शन श्रवणादि जो वृत्ति रूपी ज्ञान है ना, ये तो जो ज्ञान रूपी जो विकार है वो तो बुद्धि में है। इसलिए विक्रियावत, विक्रिया वाला हुआ है अशेष बुद्धि। बुद्धि का अर्थ यहाँ पर अंतकरण लेना है, बुद्धि का अर्थ अंतकरण। बुद्धि में सब विकार होता है, और समस्त बुद्धियों को प्रकाशित करने वाला साक्षी है ना, साक्षी मैं चक्षु के द्वारा रूप को जाना, ये जानना तो बुद्धि का धर्म है। जानना नहीं जानना ये सब बुद्धि का धर्म है, साक्षी तो सबको प्रकाशित कर लेता है। इसलिए बुद्धि का साक्षी अलग है, बुद्धि साक्षी नहीं, बुद्धि का साक्षी अलग है, वो आत्मा है।
इसलिए कहा गया ततश्च एतत् सिद्धम। 71 में देखिए, 71 से लेकर के ये सब एक ही अर्थ है, आगे जाए जितने भी है 74 नंबर तक ऐसे ही है। अपश्यन् पश्यतिं बुद्धि मा शृण्वन् शृण्वतीं तथा निर्यत्न विक्रियो निच्छन् निच्छन्ते चाप्य लुप्त दृक् दिशन्ते मा द्विषन्नात्मा कुप्यन्तीं चाप्य कोपनः निर्दुःखो निर्दुःखो दुःखिनीं चैव निःसुखः सुखिनीमपि अमुह्यमानो मुह्यन्तीं कल्पयन्तीमकल्पयन् स्मरन्तीमस्मरश्चैव शयानामस्वपन्मुहुः सर्वाकारं निराकारः सर्वाकारं निराकारः स्वार्थो स्वार्थां निरङ्गिनः निस्त्री निस्त्रिकालस्त्रिकालस्थां कूटस्थ क्षणभंगुराम। ये देखो तो बोलते हैं कि अपश्यन् पश्यतिं बुद्धिम्। वो कहते हैं कि ये जो देखना चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा, चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो रूपाकार जो वृत्ति होती है, वो रूपाकार वृत्ति यही देखना है। वो कहाँ पर है रूपाकार वृत्ति? वो तो बुद्धि है, बुद्धि में है, ठीक है ना। चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जो रूपाकार वृत्ति होती है वो तो बुद्धि में होती है। इसलिए वृत्ति के रूप से जो परिणाम है वो तो बुद्धि है। इसलिए देखने वाले बुद्धि को ये साक्षी जो है वो प्रकाशित कर लेता है। इसलिए अपश्यन है ना, देखना आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो देखना आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए स्वरूप से न देखता हुआ भी देखना रूपी क्रिया आत्मा में न होने पर भी पश्यन्ति बुद्धिम है ना। हाँ, ये देखने वाले कौन है? बुद्धि है। बुद्धि में रूपाकार वृत्ति होती है, साक्षी उसको प्रकाशित कर लेता है। इसी प्रकार सर्वत्र भी समझना है, ठीक है ना। क्योंकि आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा तो चेतन स्वरूप है। इसलिए आगे लिखे हैं 71 नंबर के अंतिम में है अलुप्त दृक् है ना, आत्मा का जो नित्य दृक् है, वो ज्ञान स्वरूप है, उसका नाश नहीं होता है। इसलिए लिखे अलुप्त दृक्, ठीक है ना। हाँ, वो लुप्त दृक् नहीं है, अलुप्त दृक् है, बोला नित्य ज्ञान स्वरूप है वो। इसलिए नित्य ज्ञान स्वरूप होकर के, नित्य दृष्टि स्वरूप होकर के ये आत्मा है देखने वाले बुद्धि को जान लेती है। इसलिए कहते कह रहे मैंने देखा ये घटपट को देखा, तो आप किसको जान रहे हो? हैं, देखने वाले बुद्धि को जान रहे हो कि नहीं? है कि नहीं? सपनों पर एकदम स्पष्ट ही हो, देखने वाले व्यक्ति को आप देखते हो, है कि नहीं? देखना आपका स्वभाव नहीं है वो, हैं, देखना रूपी क्रिया आपका स्वभाव नहीं है। लेकिन आपका स्वभाव कैसे है? ज्ञान स्वरूप है वो, चित्त स्वरूप है वो। लेकिन इले अलुप्त दृक्, ये आत्मा का स्वरूप हो गया अलुप्त दृक्, चित्त स्वरूप है वो। चित्त स्वरूप होकर के देखना रूपी न क्रिया करते हुए भी है ना पश्यतिम बुद्धिम, देखने वाले बुद्धि को प्रकाशित कर लेता है साक्षी, देख लेता है। ये था इसी प्रकार सर्वत्र सुन लो। अश्रृणवान श्रृणवतीम, असंवार है, आरती होती है। हाँ, मंदिर में आरती भी चाहिए, है कि नहीं? 24 घंटा कहाँ वेदांत का चिंतन करते हैं लोग।
24 घंटा तो वेदांत का चिंतन नहीं कर सकते, है ना। थोड़ी सी उपासना भी चाहिए, महादेव की उपासना। तो अश्रृणवन श्रृणवती, ना सुनते हुए भी सुनने वाली बुद्धि को साक्षी जय सुन लेता है, जान लेता है। इसी प्रकार देखो निर्यत्नो, उसमें यत्न रूपी क्रिया नहीं है, है ना। कोई क्रिया नहीं है, भगवान निष्क्रिय है, आत्मा आत्मा निष्क्रिय है। इसलिए निर्यत्नो अविक्रिय, यत्न रूपी चेष्टा नहीं है, क्योंकि कोई भिखारी नहीं है, अविक्रिय, है ना। अनिच्छन इच्छन्तिम, है इच्छा आत्मा में नहीं है, इच्छा किस में है, बुद्धि में है। इसलिए इच्छा करने वाले बुद्धि को जान लेते हो, है कि नहीं। इसी प्रकार से देखो अदिशन आत्मा दिशंतिम, द्वेष रूपी क्रिया आत्मा में नहीं है, द्वेष रूपी क्रिया आत्मा में न होने पर भी द्वेष करने वाले बुद्धि को आप जान लेते हो। किसी से द्वेष करते हो, मान लीजिए द्वेष होना किसका धर्म है, बुद्धि का धर्म है। द्वेष हुआ तो पता लगता नहीं लगता है, हाँ मेरे से द्वेष हुआ उनके प्रति, है कि नहीं, द्वेष का ही प्रकाश हो गया, ठीक। अच्छा क्रोध करना किसका स्वभाव है, हैं क्रोध करना किसका स्वभाव है, आत्मा का नहीं है, बुद्धि का है। इसलिए अकोपनः, 72 नंबर श्लोक, अकोपनः हैं कोप्यंतिम, कोप करने वाली, क्रोध है बुद्धि का धर्म है। एक क्रोध ना करता हुआ भी क्रोध करने वाली बुद्धि को जान ले, जिसमें क्रोध होता है उसमें भान होता है कि नहीं, क्रोध का, क्रोध का भान होता है, क्रोध का प्रकाश होता है, ठीक है। इसी प्रकार से निर्दुखो दुखिनी, आत्मा में कोई दुख नहीं है, आत्मा तो आनंद स्वरूप है, दुख कहाँ से होगा। प्रपंचोपशमं शांतम शिवम चतुर्थम अद्वितीय मन्यन्ते, यकिनी मांडुक्य में आत्मा में दुख नहीं है। इसलिए दुख से रहित होकर के भी दुखिनी, दुख रूपी धर्म किसका है, बुद्धि का है, अंतकरण का है, उसको भी साक्षी प्रकाशित कर लेता है। निःसुख सुखिनी अपि, इसी प्रकार दुख जैसे आत्मा का धर्म नहीं है, सुख भी आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा तो सुख स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो इसमें सुख कहाँ से आएगा। लेकिन सुखाकार वृत्ति तो अंतकरण की है, अनुकूलता होने पर सुखाकार वृत्ति हो जाती है, तो अनुकूलता वृत्ति हो जाने पर उसी में आनंद का प्रतिफलन होता, उसको कहते हैं सुख। उसको कहते हैं सुख। इसलिए सुखी बुद्धि को भी आप जान लेते हो, है ना। आप सुख रूपी क्रिया आपके अंदर न होने पर भी सुख सुख हो, सुख होने वाली मतलब सुखी होने वाली जो बुद्धि है उसको जान लेते हो। इसमें अगर अमोह्य मानो मोह्यंतिम, मोह मोह हो जाता है ना, मोह मोह किसी के प्रति मोह हो जाता है, मोह रूपी नशा चढ़ जाता है किसी के प्रति। मोह जल्दी नहीं जाता है ना, है कि नहीं। हाँ सावधान, यदि विचार जब नहीं करेंगे तो मोह जाएगा नहीं। कितना ही वेदांत सुन लो, है ना, विचार जब नहीं करेंगे तो मोह जाएगा नहीं। अमोह्यमान मोह्यंतिम, आत्मा में कोई मोह नहीं है, मोह रूपी क्रिया आत्मा में नहीं है, फिर भी मोह करने वाले बुद्धि को, है ना, जान लेते हो। नहीं जाना जाता ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको अपना धर्म मान लेते हो, ये अज्ञान है वो। लेकिन थोड़ा सचेत यदि हो जाए तो मालूम पड़ेगा, हाँ अरे मोह तो बुद्धि का है, मेरा नहीं है। मोह्यंतिम, मोह करने वाली बुद्धि को जान लेते हो। अकल्पयन कल्पयंतिम, अकल्पयन कल्पना ना करते हुए, कल्पना करना है ना, जो संकल्प होता है ना, संकल्प किसका होता है, संकल्प कौन करता है, हैं, जीव करता है अथवा बुद्धि करती है संकल्प। इसलिए संकल्प करने वाली
बुद्धि को आप जान लेते हो, लेकिन संकल्प आपका स्वरूप नहीं है वो, इसलिए अकल्पयन कहा। स्मरंतिम अस्मरश्चैव, स्मरण करना याद करना है ना, किसी की याद करते हो, किसी की याद करते हो, ये किसका धर्म हो गया याद करना? किसका धर्म हो गया? जिसमें संस्कार रहेगा उसमें स्मरण होगा, संस्कार जिसमें रहेगा उसमें स्मरण स्मरण होगा ना। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, संस्कार से स्मरण होता है। संस्कार किसमें रहेगा? बुद्धि में रहेगा कि आत्मा में रहेगा संस्कार? हाँ संस्कार, हाँ संस्कार जिसमें होता है स्मरण भी उसी में होता है। संस्कार बुद्धि में रहता है, लेकिन सारा रिकॉर्डिंग बुद्धि में रहता है। लेकिन जो फोटो वगैरह खींचते हो, मान लीजिए बुद्धि से, बुद्धि रूपी कैमरा से फोटो ले रहे हो जागृत में, उसका सारा संस्कार कहाँ रहता है? स्वप्न में रहता है। फिर कर्म पर कर्म के अनुसार उसी प्रकार जो है संस्कार से स्वप्न देखते हो, है कि नहीं? ये सब बुद्धि का ही है। स्मरण है, स्मरणात्मक का जो बुद्धिवृत्ति है, उस बुद्धिवृत्ति को आप जो है वो प्रकाशित कर लेते हो, संस्कार का स्मरण भान हो जाता है संस्कार का, ठीक है? स्मरण का, स्मरण का। अच्छा और क्या कहते हैं? शयनानाम असपनम मुहु निरंतर देखो, हैं, और निरंतर देखो, जिसमें बुद्धि सो जाती है, बुद्धि शांत सो जाती है कि नहीं, है कि नहीं? उसको भी आप जानते हो कि नहीं? बुद्धि सो जाती है ना कहाँ पर? सुषुप्ति में, हाँ सुषुप्ति में, और क्या? अथवा मान लीजिए कि नशा चढ़ गया बहुत ज़्यादा, हाँ सो पड़ती है, कुछ भान नहीं रहता है कोई चोट भी लग गया तो बुद्धि काम नहीं करती, ऐसे बुद्धि स्तब्ध हो जाती है, लेकिन तो शब्द बुद्धि को भी आप जान लेते हो। हाँ मैंने कुछ नहीं जाना, अभी इतने समय तक मैं मूर्छित हो गया बोलते कि नहीं, लेकिन तो कौन मूर्छित हुआ? आत्मा मूर्छित हुआ कि बुद्धि मूर्छित हुई? आत्मा यदि मूर्छित हो जाएगा तो मूर्छित को कौन जानेगा फिर, है ना? मूर्छा को फिर कौन जानेगा फिर? इसी प्रकार है, ठीक है, आत्मा ये सो जाए तो सोना शयन को फिर कौन जानेगा? या आत्मा को भी सो नहीं जाती है, ये शयानाम असपनम असपन मुहु, लेकिन नहीं निरंतर ही जगता रहता है। आत्मा चित स्वरूप है ना, वो आत्मा कभी नहीं सोता है, ठीक है? तो सोने वाली कौन है? बुद्धि। बुद्धि जब अपने व्यापार को छोड़ देती है सुषुप्ति में, उसको भी कौन जानता है? साक्षी जानता है। फिर असपनन मुहु सर्वाकारम निराकार, ये आत्मा में कोई आकार नहीं है, निराकार है आत्मा, आत्मा निराकार है, ठीक है? निराकार होते हुए भी सर्वाकारम है, सब आकार से युक्त जो बुद्धि है, समस्त परिणाम से जो युक्त बुद्धि है, उस बुद्धि जो भी वृत्ति होगी अंतकरण में, हालांकि अविद्या वृत्ति भी है, वृत्ति तो अविद्या में भी होती है, चाहे अविद्या में वृत्ति हो चाहे बुद्धि में वृत्ति हो, लेकिन साक्षी तो सबको प्रकाशित कर लेता है। अच्छा ये बताओ, आत्मा स्वार्थ है कि परार्थ है? आत्मा स्वार्थ है कि परार्थ है? आत्मा किसके लिए है? आत्मा किसी के लिए नहीं है, है कि नहीं? आत्मा कैसा है? स्वार्थ, सारा संसार आत्मा के लिए है, आत्मा किसी के लिए नहीं है, और क्या, ठीक है? हाँ सुख के, सुख के साधन में आप प्रेम करते हो, किसके लिए है? अपने लिए है, अपने लिए कि नहीं? अन्य वस्तु में जो प्रीति होती है वो अपने लिए है, लेकिन आत्मा जो प्रीति होती है वो किसके लिए है, है? वो किसके लिए है? वो किसी के लिए नहीं है वो इसलिए आत्मा हो गया स्वार्थ। और बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि है, बुद्धि के धर्म है, जितने भी ये सब कैसे होते हैं? अस्वार्थ, अस्वार्थ का अर्थ परार्थ है वो, ये सब परार्थ है, परार्थ बुद्धि को आत्मा प्रकाशित कर लेता है,
लेकिन आत्मा में कोई प्रकाश कोई धर्म होता हो, प्रकाश कोई क्रिया होता हो, ऐसा नहीं। निरंगिना है ना, हाँ। इंगन बोलते हैं क्रिया को, इंगन बोलते हैं क्रिया को, इंगन इंगन अनिर लगा दिया, निर्गता इंगनम यशम निष्क्रिय, निरिंगना का अर्थ होता है निष्क्रिय, ठीक है। निस्त्री काल है, आत्मा में कौन सा काल है, वर्तमान है, अतीत है कि भविष्यत है, जिसकी उत्पत्ति होती है उसमें काल होता है, काल से परिचिन्न आत्मा नहीं है, अनात्मा काल से परिचिन्न होता है, इलका निस्त्रिकाल है, उसमें किसी प्रकार का काल है ही नहीं। आत्मा पहले सिद्ध है कि काल पहले सिद्ध है, आत्मा पहले सिद्ध है, काल बाद में सिद्ध है। जो निस्त्रिकाल नित्य पदार्थ तात्पर्य है, आत्मा नित्य पदार्थ है, काल से परिचिन्न नहीं है, जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका नाश होता है, उसको वो काल से परिचिन्न है। इलेत्री कालस्थाम बुद्धि काल से परिचिन्न है, इले काल से परिचिन्न वस्तु को ये निस्त्री काल आत्मा नित्य वो प्रकाशित कर लेता है, लेकिन है कूटस्थ है, बोले कूटस्थ निर्विकार है, क्षण भंगुराम बुद्धि है क्षण भंगुर, बुद्धि वृत्ति उत्पन्न हुई फिर नष्ट हो जाती है, क्षण भंगुर बुद्धि को ये साक्षी प्रकाशित कर लेता है, साक्षी हो गया कूटस्थ, बुद्धि होगी क्षण भंगुर, है कि नहीं। निरपेक्षश्च सापेक्षं पराचिं प्रत्यगद्वयः सावधिं निर्गतेर्यतः सर्वदेहेषु पश्यति। 75 नंबर है ये। देखो आत्मा स्वयं प्रकाश है, आत्मा स्वयं प्रकाश है, वो इसलिए वो किसी अपने प्रकाश के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करता है, वो निरपेक्ष हो गया। लेकिन बुद्धि अपने प्रकाश के लिए आत्मा प्रकाश की आवश्यकता है, इसलिए सापेक्षाम इसलिए सापेक्षाम कहा, ठीक है। अच्छा आर्य पराची हैं, ये क्या है, परागत्म बाह्य है, ये बाह्य, ये बुद्धि है बुद्धिवृत्ति, ये बाह्य है, बाह्य है, अनात्मा है, पराची क्या होता है अनात्मन। अप्रत्यक अद्वय, ये आत्मा तो अपना स्वरूप है, वो है साक्षी अपना स्वरूप है, वो अद्वय है, वो अद्वय है। अच्छा सावधिम निर्गते यत्तः, देखो ये सावधि है, सावधि सावधि मतलब क्या, परिचिन्न है, लेकिन ये बुद्धिवृत्ति कैसी होती है, परिचिन्न है, और आत्मा कैसे है, अपरिचिन्न है। ये निर्गते यत्ता, यत्ता मतलब परिच्छेद बोलते हैं, और जिसमें कोई परिच्छेद नहीं है उसको कहते हैं निर्गते यत्त, अपरिचिन्न, टिप्पणी में दे दिया अपरिचिन्न है। सर्वदेहेशु, सबके शरीर में वो आत्मा है, साक्षी है, लेकिन ऐसी बुद्धिवृत्ति को साक्षी प्रकाशित कर लेता है, साक्षी बुद्धि से भिन्न है, साक्षी बुद्धि से भिन्न है, उपाधि से साक्षी भिन्न है, उपाधि के धर्म से साक्षी भिन्न है, है ना। इसलिए क्या हुआ, दुखादीनाम साक्षित्वाच आत्मनो दुखादि आकार परिणामो न युक्त हो। ये दुखादि सुख दुख राग देश सब बुद्धि बुद्धि के धर्म है, आत्मा सबका साक्षी है, प्रकाशित करता है, जो प्रकाशक होता है, जो साक्षी स्वरूप प्रकाशक होता है, उसमें कोई परिणाम नहीं हो सकता, दुखादि आकार परिणाम न युक्त, सुख दुख राग द्वेष के रूप से जो परिणाम है वो आत्मा का संभव नहीं है, है कि नहीं। इसी बात को कहते हैं एतस्माच, इस हेतु से भी, एतस्माच कारणात् अयम अर्थो व्यवसायताम, ये अर्थ को निश्चय कर लेना चाहिए। ये श्लोक बड़ा महत्व का है भगवान, ये श्लोक जो है बड़ा प्रसिद्ध है निष्कर्म सिद्धि में, इसको
चिन्ह लगा कर रखो 76 नंबर श्लोक को, है ना। थोड़े टीका में दी, नहीं पहले श्लोक ले लेते हैं। दुखी यदि भवेदात्मा कह साक्षी दुखिनो भवेत, दुखिन साक्षिता युक्ता साक्षिण दुखिता तथा। वो कहते हैं आत्मा यदि दुखी भवेत, आत्मा यदि वास्तविक दुखी हो जाए, हैं बहुत लोग तो दुखी मानते हैं संसार में सब दुखी है, शरीर धारण किया तो सब दुखी है। तो आत्मा यदि दुखी हो जाए, देखो ने सुरेश्वराचार्य क्या बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। अरे सुरेश्वराचार्य कहे भाई उल्टा बोल रहे हैं, कोई लोग बोले तो उल्टा कह रहे हो। क्या उल्टा बोल रहे हैं, आत्मा यदि दुखी हो जाए तो दुखी ना कह साकी भवे, हैं। फिर ये दुखी को फिर कौन जानेगा, हैं। दुख जिसको हो रहा है उसको जानेगा फिर कौन, जानने वाला भिन्न होता है कि नहीं। जैसे आप घट को जानते हो तो घट से आप भिन्न हो, है कि नहीं। इसी प्रकार दुखीपना को आप जानते हो तो आपका धर्म दुखीपना नहीं हो सकता, दुखीपना आपका धर्म नहीं हो सकता। यह युक्ति देखो, आत्मा यदि स्वयं दुखी हो जाए फिर दुखी को कौन जानेगा, फिर जानेगा कौन। दुखी ना कह साकी भवे, है कि नहीं। दुखी तो भाई ये दृश्य हो गया, जानने वाला तो दृष्टा होगा, दृश्य से दृष्टा भिन्न होगा, है कि नहीं। इसलिए और जो दुखी है उसको यदि साक्षी कहोगे, जो स्वयं दुखी है, बुद्धि हो गया दुखी, चिदाभास हो गया दुखी, उसको यदि साक्षी कहोगे तब तो ये युक्ति युक्त नहीं है। दुखी न साक्षिता अयुक्ता, लोग यही तो कहते तार्किक लोग, अरे यही आत्मा है और कोई कौन आत्मा है, जिसको सुख दुख हो रहा है वही आत्मा है, हैं। तो जो अपने को मोटा मान रहा है वही आत्मा है क्या फिर, हाँ यही उनको बोलना चाहिए। जो अपने को सुखी दुखी, सुख दुख का अनुभव जिसको हो रहा है, मतलब जो अपने को सुखी दुखी मान रहा है वही यदि आत्मा कहोगे तो जो अपने को मोटा मान रहा है वही आत्मा है क्या ये तो सामान्य तर्क प्रसिद्ध है, हैं। मानने मात्र से थोड़ी हो जाएगा, वो बोलता मैं मोटा हूँ, मोटापना तो अभी शरीर का धर्म, आप कैसे मोटा हो जाएंगे। इसी प्रकार से बुद्धि का धर्म को सुख दुख हो गया, बुद्धि का धर्म उसके धर्म को यदि आप अपना मानेंगे तो आपका नहीं ना होगा। स्थूल शरीर का धर्म आपको उसको अपना मानने पर भी अपना जब नहीं है, इसी प्रकार बुद्धि के धर्म को अपना मानने पर भी वो अपना धर्म नहीं हो सकता, यह अभिप्राय है। इसलिए तो सुखी सुख दुख जिसमें हो रहा है उसको आत्मा नहीं कह सकते, वो साक्षी नहीं है, वो दुखी ना साक्षिता अयुक्ता, है कि नहीं। इसलिए साक्षिणा दुखिता तथा, इसी प्रकार से जो साक्षी है सबको जो प्रकाशित कर रहा है, हैं, उसमें दुख रूपी धर्म नहीं मान सकते। दुख रूपी धर्म किसका है, बुद्धि का है अथवा चिदाभास का है, साक्षी का धर्म नहीं। देखो और दोनों को अलग अलग बोल दिया, बुद्धि सुखी दुखी है वो साक्षी नहीं हो सकता, और साक्षी कभी सुखी दुखी नहीं हो सकता है, यही विचार करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए बुद्धि में जो धर्म भास रहे हैं उसको जो है विवेक करने का अभ्यास करो, है ना, सूक्ष्म विवेक से विवेक करने का, विचार से सूक्ष्म विवेक होने का अभ्यास करो, नहीं तो होगा नहीं भगवान, ठीक है। इसलिए बहुत अंतर्मुखी होना पड़ता है, अंतर्मुखी जब होंगे नहीं तो बुद्धि का धर्म बुद्धि में है ये भान नहीं हो सकता। अच्छा इस श्लोक बड़ा प्रसिद्ध हुआ, पूर्वस्यैव व्याख्यानार्थम आह, थोड़ी टीका है देखो 77 में, दुखिना साक्षित्वम कथम अयुक्तम, इति आकांक्षाया, आत्मा दुखी का साक्षी है, समझ में ना। और जो दुखी है सुखी दुखी
सुखी दुखी बुद्धि है कि नहीं, वो साक्षी नहीं हो सकता, साक्षी उससे अलग है ना। बुद्धि जो सुखी दुखी है उसको साक्षी नहीं कह सकते, है ना। तो क्यों नहीं कह सकते? ऐसी आकांक्षा होने पर तत्र हेतु रुच्यते, उसमें हेतु हम बता रहे हैं, हेतु है ना। इसी चीज़ को कहते हैं पूर्वस्यैव व्याख्यानार्थम, अभी जितना बताए उसको स्पष्टीकरण करने के लिए, व्याख्यान करने के लिए ये कह रहे। देखो 77 नंबर, नर्ते स्याद विक्रियाम दुखी साक्षिता का विकारिण धे विक्रिया सहस्राणाम साक्षतो हम अविक्रिय। वो बोलते हैं विक्रियाम हैं, देखो इसको क्या विच्छेद करना, न रीते ऐसा विच्छेद करना, नरते हो गया ना, न प्लस रीते तो और आदेश हो गया पुरंडर पर, है ना। न रीते मतलब विक्रियाम रीते न दुखी, ऐसा अन्न करना है। जब तक विकार नहीं होगा वो दुखी नहीं हो सकता है, विकार होने से वो सुखी दुखी है कि नहीं। तो सुषुप्ति में कोई विकार नहीं है तो आप सुखी दुखी नहीं है कि निर्विकल समाधि में कोई विकार नहीं है, देखो आप सुखी दुखी नहीं है। वो विकार हो या बिना दुखी नहीं हो सकता कोई, समझ में आया कि नहीं। हाँ ऐसा है। और विकारिणा, और जिसमें विकार हो जाएगा वो साक्षी भी नहीं होगा। इसलिए विकारिणा का साक्षिता ऐसा न करो। इसलिए बुद्धि है विकारी, जो स्वयं विकारी हो गया वो साक्षी नहीं हो सकता। ये दोनों में समझ लो, विकार के बिना दुखी नहीं होगा, और जिसमें विकार हो गया वो साक्षी नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ ऐसा है। इसलिए धी विक्रिया सहस्राणाम, जागृत है स्वप्न में अनेक वृत्तियाँ हो रही, अनंत वृत्तियाँ हो रही। देखो कितने वृत्ति है, गिनो देखो पता लगेगा। याद ही नहीं रहता है, हैं जागृत से लेकर के सुबह से लेकर शाम तक कितने वृत्तियाँ हो रही है बुद्धि में, उसको लिखना चाहेगा तो शाम को सोने से पहले तो याद होगी, याद ही नहीं हो सकती। अनंत वृत्तियाँ, अनंत तरंग है इसे बुद्धि रूपी समुंदर में। रधे विक्रिया सहस्राम, सहस्रा का तो अनंत है ना, बुद्धि में विकार अनंत है, उसका साक्षी ही आत्मा साक्षी। अतो अहम अविक्रिय, मैं तो सबका साक्षी हूँ, इसलिए मेरे में कोई विकार नहीं, अविक्रिय हूँ मैं। इसलिए ऐसा अविक्रिय जो साक्षी हूँ मैं, वही ब्रह्म हूँ, तब जा करके मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान का अभ्यास होगा। हम अर्थ के स्वरूप को जब तक निर्धारित नहीं करेंगे तब ब्रह्म के साथ अद्वैत का विचार नहीं हो सकता। ये है मनन, मनन के बिना तो वह निध्यासन होगा नहीं। ये तात्पर्य है। ओम, बस इतना में रखते हैं आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय।